नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नैरेशन का पार्ट टू। इसके पहले मैं नैरेशन का पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि नैरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और डायरेक्ट नैरेशन से इनडायरेक्ट नैरेशन में बदलने के लिए हमें जनरल रूल किस तरीके से फॉलो करने होते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि जनरल रूल तीन प्रकार के होते हैं। जनरल रूल्स में जो पहला नियम होता है वो होता है चेंज ऑफ पर्सन। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने अपने उस वीडियो में दिए थे। आज ये चेंज ऑफ पर्सन का ही पार्ट टू होने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे जो है आने वाले पार्ट में हम इसके और भी पार्ट्स को कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और आप ही के प्यार सपोर्ट की जरूरत है। देखिए, अभी सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन जो है, चेंज ऑफ पर्सन मतलब कि पर्सन का चेंज। पर्सन आप लोग समझते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एकदम इतना आसान बना दूंगा नैरेशन को कि आप इसको भूल कर भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे या फिर कोई नाम होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नैरेशन में दो चीजें होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले जानना जरूरी होता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। इसमें भी रिपीट कर देता हूं कि ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है। अगर इन्वर्टेड कॉमा हो तो आप पहचान लेना कि ये डायरेक्ट नैरेशन है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होगा, से रहे, सेज टू रहे या ऐसे ही जो भी वर्ब रहे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वर्ब को, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब ये बाहर वाला वर्ब प्रेजेंट टेंस का भी हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। अभी ये किस टेंस में आप बता सकते हो? अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, सेज लगा हुआ है। तो अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कुछ भी रहे, अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो भीतर का टेंस नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को? इसमें ये चीज मैंने उसमें भी बताया था फर्स्ट वीडियो में। भीतर का टेंस नहीं बदलने का मतलब कि अभी एम है तो इज आर एम में से ही कुछ लगेगा। कब? जब ये प्रेजेंट में रहे या फिर फ्यूचर में रहे तब। जैसे यहां ये प्रेजेंट में है तो यहां भीतर हैड या है भी लगेगा, टेंस चेंज होके हैड नहीं हो जाएगा। जैसे ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये नहीं कि ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, नहीं। पास्ट परफेक्ट होता कब? जब ये पास्ट में होता तब। तो अभी हम लोग केवल प्रेजेंट वाला स्टडी कर रहे हैं और इसी के बारे में भी स्टडी करेंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद मैं यहां पे पास्ट का वर्ड ला करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी बस प्रेजेंट और फिर फ्यूचर के बारे में यहां पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये नियम पहले देख लीजिए। ये उस वीडियो में मैंने रिपीट किया था, यहां भी रिपीट कर रहा हूं कि से या फिर सेज टू, अगर से के बाद टू रहता है या फिर सेज के बाद टू रहता है तो आपको से टू रहेगा तो टेल लिखना है और सेज टू रहेगा तो टेल्स लिखना है, ठीक है। मतलब कि से या सेज टू को टेल या टेल्स में बदल देना है। सब कुछ इजी है, अभी सुन लो, नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ इजी है, बस स्किप मत करना, सुनते जाओ लास्ट में। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है ना तो फिर एक भी पार्ट मत देखना, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है? डैश लगाना है और फिर जनरल रूल आपको अप्लाई करना है। जनरल रूल का मतलब कि वही चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी हम लोग जनरल रूल का चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी देखो, पर्सन का चेंज भी कैसे होता है। तो पर्सन बदलता कौन है? भीतर वाला। बदलता कौन है? भीतर वाला। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का पर्सन बदलता है और बाहर के हिसाब से बदलता है। बस सुनते जाओ, सुनते जाओ सब कुछ, ठीक है, सब बना के बताऊंगा। भीतर का पर्सन बदलता है और बाहर वाले नाउन प्रोनाउन के हिसाब से बदलता है, मतलब बाहर के सब्जेक्ट या फिर बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ठीक है। कैसे बदलता है? कि अगर वो फर्स्ट पर्सन में होगा
अगर भीतर कहीं फर्स्ट पर्सन होगा, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से बदलेगा। जैसे यहां भीतर वाला हिसाब देखना है, ठीक है, भीतर के भीतर ही बदलता है, ठीक है, बाहर के हिसाब से बदलता है, और बदलता कौन है, भीतर वाला। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा, मजा आएगा। देखो अभी ये राम है, तो राम को राम ही लिख देना है, अभी बाहर नहीं बदलता है, मैंने बताया। देखते जाओ, पूरा तरह से समझ में आएगा, और कोई एक बुक लेके बनाने बैठ जाना, ठीक है। ऐसे मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो ऑक्सफोर्ड का बुक है, ठीक है, उसको आप बनाओ। क्यों उसको प्रेफर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, इतना एक्सरसाइज है ना कि मजा आ जाता है बनाने में। बाकी कुछ क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटीज एक्सरसाइज है उसका, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड का जो करंट है उसको आप बनाइए। अभी देखो, राम सेज टू को मैंने बोला कि सेज टू अगर हो तो आपको क्या करना है, टेल या टेल्स। अभी चूंकि सेज टू है तो टेल तो नहीं कर सकते हो ना, राम के साथ में टेल्स लगता है, वर्ड फाइव लगता है, तो राम टेल्स। ये मी का मी हो गया, हो गया। और ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने बताया कि इसके जगह पे क्या लाएगा जी, डेट आएगा, क्लियर। तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे डेट आ गया, इतना क्लियर है, इतना सबको आता है, ठीक है। लफड़ा इधर होता है, ठीक, और ये वीडियो देखने के बाद लफड़ा खत्म। देखो यहां ये बदलेगा, भीतर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो भी पर्सन होगा वो बदलेगा। ये अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अगर सेकेंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ठीक है, बाहर के सब्जेक्ट, बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और अगर ये थर्ड पर्सन होगा, मतलब इसमें से कोई होगा, तो फिर नहीं बदलेगा, ठीक है। अभी देखो, चार क्वेश्चन आप याद कर लो, चार क्वेश्चन पूछना और उसी के हिसाब से बदलना, इन चारों से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, चार गो क्वेश्चन, आप चार क्वेश्चंस लिख लीजिए। कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, कौन पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, किस रूप में है, किस रूप में है, और उसी रूप में बदलेगा, ठीक है। देखो अभी इससे मैंने पूछा कौन पर्सन है, ये बोला कि भाई मैं फर्स्ट पर्सन हूं, देखो फर्स्ट पर्सन है। फिर पूछा कि किसके हिसाब से बदलोगे, तो ये कह रहा है कि मैं सब्जेक्ट के हिसाब से बदलूंगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। तो कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, राम है सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमेशा ध्यान रखना, राम है तो ही, अगर लड़की का नाम होता तो सी हो जाता, ठीक है, तो हमको प्रोनाउन से मतलब होता है, राम से मतलब नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, इसके हिसाब से बदलेगा, किस रूप में है, देखो आई का रूप क्या है अभी, सब्जेक्ट का, किस रूप में है, सब्जेक्ट में है, तो ये इसका, ये जो ही है इसका भी सब्जेक्ट ही यहां जाएगा, ठीक है। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही का सब्जेक्ट ही होता है, तो यहां ही आ गया, आ गया। एक दो एग्जांपल देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई के साथ एम लगता था, टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो ही के साथ में इज लगेगा, ठीक है। फिर यहां पे कौन सा पर्सन है, तो देखो पर्सन सेकेंड पर्सन, ये यहां पे ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है, सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, तो आंसर आया कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। किस रूप में है, ये किस रूप में है भाई, देखो तो यहां पे पॉजेसिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर किस रूप में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये जो मी है ये वाला मी, इसको भी उसी रूप में भेजो, क्योंकि उसी रूप में बदलेगा, तो मी का उस वो रूप क्या होता है, माई होता है, तो उस रूप में ये माई हो गया और ये फ्रेंड हो गया, ये बन गया, कंप्लीट हो गया। और भी एक दो देख लेते हैं एग्जांपल, एकदम हार्ड से हार्ड भी कराऊंगा इसका, ठीक है। अभी ये देखो, ये दे हो गया, से टू होता है तो क्या करते हैं भाई, टेल में बदल देते हैं, ठीक है, टेल हो गया। फिर ये मी हो गया, इनवर्टेड कॉमा के जगह पे डेट हो गया, हो गया।
अभी ये कौन सा पर्सन है, क्वेश्चन कुछ बार करोगे ना फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक तुम बदल दोगे। कौन सा पर्सन है भाई, वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, दे के हिसाब से, इसके हिसाब से बदलेगा, ठीक है। अभी ये किस रूप में है, रूप कौन सा इसका, सब्जेक्ट का, तो इसका भी सब्जेक्ट ही जाएगा। तो दे का सब्जेक्ट क्या, दे तो खुद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मतलब कि यहां दे हो जाएगा। वी के साथ भी हैव लगता है, दे के साथ भी हैव लगता है, टेंस तो चेंज करना नहीं है, तो हैव का हैव हो गया, ये ऑलवेज का ऑलवेज हो गया, ये हेल्प्ड का हेल्प्ड हो गया, और फिर यहां यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, यू देखो यहां भी यू, यहां भी यू, अब तो लफड़ा हो गया भाई, दो दो जगह यू है, तो पर्सन तो सेकेंड है, किसके हिसाब से बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और किस रूप में है, तो रूप कौन सा, रूप ये चूंकि सब्जेक्ट हो गया तो ये अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो अभी रूप इसका कौन सा है, ऑब्जेक्ट रूप, ठीक है। तो चूंकि ये अभी ऑब्जेक्ट है तो इसका भी ऑब्जेक्ट ही जाएगा, मी का भी ऑब्जेक्ट जाएगा वहां पे, तो मी तो खुद ऑब्जेक्ट होता है, तो मी का ऑब्जेक्ट मी ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम आपको मैं आपसे एकदम बोलवा के रहूंगा कि ये आपको समझ में आ गया, एकदम से क्लियर आ गया, ठीक है। इसके बाद नरेशन कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, एकदम मेरा वादा है। मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। सी सेज टू हर, इसके बाद है आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, ठीक है। इसको देखते हैं, ये देखो सी और सेज टू, सेज टू क्या हो जाएगा भाई, अभी समझ में आ रहा है ना, टेल्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टेल्स हर का हर कर देते हैं, इनवर्टेड कॉमा के जगह पे क्या किया जाता है, बोलो दैट, ओके दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पर्सन समझ में नहीं आता, देखो कुछ चीजें याद रखना, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और ये दे ही सी इट, ये भी थर्ड पर्सन, क्लियर। अब सुनो, आई का ऑब्जेक्टिव रूप है मी, तो वो भी फर्स्ट पर्सन ही होगा, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, तो वो भी फर्स्ट पर्सन ही होगा। नहीं समझ में आता है तो एक सिंपल बात समझो, हंसी आएगी, लेकिन क्या करो, समझाना है, मजबूरी है। देखो कुत्ता अगर बच्चा देगा, कुत्ते का बच्चा क्या होता है, कुत्ता ही होता है ना, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, तो वैसे ही समझ लो कि ये कुत्ता है, फर्स्ट पर्सन वाला कुत्ता, इसका जो बच्चा है ये सब छोटा छोटा बच्चा, वो भी कुत्ते ही होंगे, मतलब वो भी फर्स्ट पर्सन ही होंगे, ठीक है। ये सेकेंड पर्सन है तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी सेकेंड पर्सन ही होंगे, और ये थर्ड पर्सन है तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी सेकेंड, वो भी थर्ड पर्सन ही होंगे, समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो। अब देखो, आई फर्स्ट पर्सन, क्लियर, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है भाई, सी, ठीक है। आगे किस रूप में है, आई अभी सब्जेक्ट के रूप में है, तो सी का भी, सी का भी सब्जेक्ट, तो सी का सब्जेक्ट क्या है, सी ही है, ओके। आई के साथ भी कैन और सी के साथ भी कैन ही लगता है, कैन लगा दिया। टीच है, टीच को लिख दिया। अभी यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, देखो सेकेंड पर्सन, ठीक है। किस रूप, अभी कौन सा पर्सन, सर सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर। देखो एक चीज लफड़ा होता है समझने में कि हर यहां भी है और यहां भी है, हीज यहां भी है और यहां भी है, और यू यहां भी है यहां भी है, कैसे पहचानोगे कि कौन सा हर ये प्रोनाउन हो जा रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, और कब कब वो एडजेक्टिव हो जा रहा है, ये थोड़ा लफड़ा होता है। एक चीज समझ लो, एडजेक्टिव वाले को पकड़ लो, एडजेक्टिव लगभग जब भी आएगा ना तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन जरूर आएगा, हिज आ रहा है तो हिज के तुरंत बाद हिज पेन, हिज शॉर्ट, कुछ आएगा जरूर, हर आएगा तो हर सारी, कुछ ना कुछ आएगा, हर मार्कर, माई आ रहा है तो माई हाउस, माई बोर्ड, ओके। तो कुछ ना कुछ एडजेक्टिव के बाद नाउन बहुत, मतलब किसी ना किसी को मॉडिफाई तो करेगा ही करेगा ना, तो एडजेक्टिव किसी ना किसी को मॉडिफाई करेगा।
अब जब एडजेक्टिव पकड़ में आ गया तो बाकी जो बचा वो प्रोनाउन होगा, क्लियर है, लफड़ा नहीं होता इसमें। अभी देखो यू लास्ट में है, ये कोई नियम नहीं होता लास्ट में है, लेकिन अभी समझ लो कि ये शुरू वाला ये भी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अभी किस रूप में है, तो अभी ऑब्जेक्ट वाला है, ये वाला यू है, ये नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला यू है, तो ये हर का भी ऑब्जेक्ट, तो हर का तो ऑब्जेक्ट खुद हर ही होता है, तो यहां हर हो गया, ओके। अभी जो लिखूंगा इसको वीडियो पॉज करके खुद से बनाओ, ठीक है। राम सेज टू गीता, राम सेज टू गीता, सीता कुछ भी, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। अभी इसको बना लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं इस वाले को। अभी वीडियो पॉज करके तुम एक बार खुद ट्राई कर लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, जब भी बैठो तो देखो बनाते हैं फिर, ठीक है। ये राम, ठीक है, राम सेज टू को क्या, टेल्स लिख दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। अब देखो फिर क्या लिखना, क्या लिखा, गीता, चलो गीता, और फिर ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखा, डेट, ओके डेट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट राम मतलब ही होता है, ठीक है, और गीता मतलब सी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब ही के हिसाब से, ठीक है। अभी आई किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, ये सब्जेक्ट के रूप में, तो ही का भी सब्जेक्ट मतलब ही हो जाएगा। यहां पे ही के साथ इज लगा दिया, योर कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सी के अनुसार, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी योर किस रूप में है भाई, योर अभी देखो एडजेक्टिव वाले रूप में है ना, तो सी का एडजेक्टिव, तो सी का एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, हर लगा दो, सी इज हर, ही इज हर फ्रेंड, फ्रेंड छाप देते हैं फिर। इसके बाद है एंड, अभी देखो यहां यू जो आया ये एक सेंटेंस खत्म, और यहां से ये आपका इसको जोड़ रहा है, फिर यहां पे दूसरा एक सेंटेंस है, तो ये यहां भी यू जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यहां से सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अभी यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा। यू किस रूप में है, तो यू अभी यहां पे सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में है, तो सी का सब्जेक्ट, तो सी का सब्जेक्ट क्या होता है, सी ही तो होता है। इसके बाद सी के साथ में क्या लगाओगे, इज लगाओगे, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, ये किसके अनुसार भाई, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये किस रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में है, तो इस ही का एडजेक्टिव, तो ही का एडजेक्टिव क्या होता है, हिज होता है, हिज, और फ्रेंड का फ्रेंड बन गया, एकदम सही है, बना लोगे अब ना, अब बना लोगे, ठीक है, आशा है एकदम बना लोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है इसमें, कि इसमें क्या करोगे। द टीचर हैज सेड टू मी, द टीचर हैज सेड टू मी, आई एम ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, टू हेल्प यू बिकॉज यू आर अ गुड बॉय, ओके। अब इतना बड़ा देख के घबराओ मत यार, छोटा ही तो है, देखो कितना छोटा है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, एक सेंटेंस, और यू आर अ गुड बॉय, एक सेंटेंस, ठीक है,
दो भाग में बांट दिए, देखो द टीचर हैज, अभी सेड टू आया है भाई, तो ये चूंकि वर्ब थ्री है यहां पे, है तो प्रेजेंट टेंस ही है, तो ये देखो हैज प्लस वर्ब थ्री, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है तो प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन चूंकि सेड आया है, वर्ब थ्री आया है, तो हमको भी वर्ब थ्री करना पड़ेगा, टोल्ड करना पड़ेगा। द टीचर हैज टोल्ड मी का मी, ठीक है, टेंस प्रेजेंट ही है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे डेट। अभी ध्यान से समझना, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, टीचर, अभी टीचर का तो पता नहीं क्या होगा, टीचर कितने, एक, एक है ना, तो ही हो गया, अगर यहां टीचर्स होता तो दे हो जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, तभी इसका प्रोनाउन क्या हो गया भाई, ही हो गया, ओके। तो आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, टीचर के हिसाब से, मतलब ही के अनुसार, ये अभी चूंकि सब्जेक्ट के रूप में है तो ही का सब्जेक्ट क्या होगा, ही तो होगा, इसके बाद आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज, ऑलवेज रेडी, सब छाप देना है, ऐसे ही रेडी कॉपी कर देना है भाई, अब हमारे भाषा में छाप देना होता है, चलो ठीक है। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, कौन पर्सन, सेकेंड, ओके, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा के यहां पे, ठीक, ऑब्जेक्ट, ओके, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यू किस रूप में है, देखो यहां सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, लास्ट में आ रहा है ना तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, और फिर ये मी का भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो मी तो खुद ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां मी का मी हो जाएगा, बिकॉज अभी यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, बहुत बच्चे यहां से ऑटोमेटिक यहां भाग जाते हैं, नहीं, पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा, सेकेंड पर्सन है तो, ठीक है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी यू किस रूप में है, सेंटेंस शुरू हो रहा है भाई, तो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर रूप कौन सा, रूप सब्जेक्ट का, ठीक है, तो ये अभी सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, आई एम अ गुड बॉय, ओके, आई एम अ गुड बॉय, लफड़ा नहीं है, लफड़ा नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, अभी समझ में आ गया, इतने एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया होगा, एक और एग्जाम्पल लिख लो फ्यूचर वाला, ठीक है, अगर लिखना था तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले लो और फिर जो है नोट डाउन कर लो, ओके, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, ठीक है, देखो ठीक है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो टेंस तो भीतर नहीं बदलेगा, देखो सीता विल, ये टेल, बहुत अच्छी बात है भाई, हम से टेल बदलते थे, मैं दुकान पे जाके मतलब कि समोसा खाता था, दुकान पे जाके रसगुल्ला खाता था, कोई मेरे घर पे ही रसगुल्ला ला दे तो कितना अच्छा बात है, अच्छा बात है ना, तो देखो ये टेल जो है, अब मैं इसको से टेल बदलता था, ऑटोमेटिक जब टेल ही आ गया तो बड़ी खुशी की बात है भाई, बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके, घबराओ मत कि क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, ओके, दैट आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ओके, फर्स्ट पर्सन ना, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता मतलब क्या होता है, सी होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इसके हिसाब से, अभी ये किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, तो ये सी हो गया। नीड, आई के साथ नीड था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सी के साथ टेंस तो बदलना नहीं है तो नीड्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, तो सी नीड्स योर सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी योर ऑफ ये तुम्हारा एडजेक्टिव वाला रूप है तो मी का एडजेक्टिव हो जाएगा माई और हेल्प का हेल्प, चलो ठीक है, समझ में आ गया, वीडियो को खत्म करते हैं, इसको अगर समझ में आ गया भाई तो लाइक कीजिए
और कमेंट कीजिए कि इसका अगला पार्ट बनाना है कि नहीं बनाना है। ओके, समझ में आया तो अगला पार्ट बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।